इसमें सब्जेक्टिव शीट नंबर 54 में लिमिटिंग स्ट्रेस फॉर अ टिपिकल ह्यूमन बोन इज गिवन, तो ह्यूमन बोन जो है उसका स्ट्रेस गिवन है एंड यंग मॉडल्स भी गिवन है. हाउ मच एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब बाई टू लेग्स विदाउट ब्रेकिंग, तो दो लेग्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है. इफ़ ईच हैज़ अ टिपिकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड एवरेज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पॉइंट नंबर वन, इसके अंदर जो स्ट्रेस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यंग मॉडल्स भी गिवन है और तुम्हें लेंथ भी 50 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लें. इसके बाद वर्क डन क्या होगा, हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ. तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया. अब मेरे को इस क्वेश्चन में डेल्टा एल मिसिंग है, कोई बात नहीं, वाई तो पता है मुझे. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं. वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. अब स्ट्रेस तो मुझे पता ही है क्वेश्चन में, वाई भी मुझे पता है, तो डेल्टा एल बाय एल की रेशियो आ गई. तो डेल्टा एल की ये वैल्यू आ गई, क्योंकि तुम्हें एल पता है, वाई पता है, स्ट्रेस पता है, तो समझो डेल्टा एल भी आ गया. तो डेल्टा एल आ गया. अब क्या नहीं पता, फोर्स नहीं पता, तो फोर्स के लिए काम करते हैं. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्ट्रेस की फॉर्म में क्या आ गई, फोर्स आ गई. अब तुम इस फोर्स को भी पुट कर देना. अब तुम्हें स्ट्रेस पता है, एरिया पता है, वाई पता है, एल पता है, यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, एफ कैसे निकलेगा, यंग मॉडुलस से, या डेल्टा एल कैसे निकलेगा, यंग मॉडुलस से. एफ की वैल्यू अगर नहीं गिवन तो या तो यंग मॉडुलस से निकलेगी, नहीं तो स्ट्रेस गिवन है उससे तो बहुत ईजिली निकली आएगी, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया. ठीक है यहाँ तक, ठीक. इससे पहले वाली शीट की कटआउट पूछ रहे हो, इससे पहले वाली शीट में क्वेश्चन नंबर 13. अ लिफ्ट इज टाइड विद अ थिक आयरन वायर्स, लिफ्ट लोहे की तारों से जो है इसे खींच रहे हैं, और मास आपको पता है लिफ्ट का कितना है. इफ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज गिवन एंड मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस इज गिवन, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर. तो वायर का डायमीटर क्या होगा. देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, स्ट्रेस गिवन है ना, तो फॉर्मूला स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया है. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर की फॉर्म में पाई डी स्क्वायर बाई फोर. तो ये आपके पास स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया, फोर्स बाय एरिया. आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायमीटर की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फोर्स पता है. फोर्स कैसे पता है, क्योंकि लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है, तो इसका जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम इंटू जी प्लस ए. प्लस ए क्यों, क्योंकि लिफ्ट मैक्सिमम एक्सलेशन ऑफ द लिफ्ट गिवन है, और मैंने एज्यूम किया है कि लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, अब ऊपर जा रही है. अब तुम उल्टा भी बोल सकते हो, नीचे भी आ सकती है. तुम्हें दो केस लेने पड़ेंगे, अगर वो ऊपर जा रहा है बोल रही है तो एम इंटू जी प्लस ए, अगर नीचे आ रही है तो एम इंटू जी माइनस ए. जो भी फोर्स आएगी यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना. ठीक है, यहाँ तो मैंने कोई भी एक केस सॉल्व कर दिया एम इंटू जी प्लस ए के साथ. हाँ, ऐसा बोल सकते हो. उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा है तो मैं ऊपर वाला केस ही लूंगा, क्योंकि वहाँ पर फोर्स फिर मैक्सिमम होगी, स्ट्रेस मैक्स होगा. राइट, नीचे आने में उल्टा जोर कम पड़ेगा, ऊपर जाने में जोर ज़्यादा पड़ेगा, बोल सकते हो. ऊपर तभी ऊपर की तरफ की है. क्लियर है यहाँ तक.